हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किवानो रिसर्च एंड इनोवेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक अटेंडेंस ऐप, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसे हम एयरटेबल से ऑपरेट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क कैसे करता है। ऐप ओपन करने के बाद आपको आपका GPS पहले एक्टिवेट करना है। GPS एक्टिवेट होने के बाद ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू का एक बटन दिखाई देगा। देखिए, इस कंटिन्यू बटन पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे करंट टाइम और डेट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है आपके ईमेल आईडी से। ये लॉगिन फर्स्ट टाइम ही करना है। जैसे आप अपना लॉगिन कर देते हो, यहाँ पर आपका लॉगिन के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो और उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, और साथ में स्कैन का बटन दिखाई देगा। आप जैसे इसे स्कैन बटन को क्लिक करेंगे, तो ये बारकोड जनरेटर जो वेबसाइट है, यहाँ से आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं, और इस कोड को मैं यहाँ से अपने ऐप से स्कैन करूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं स्कैन बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, तो इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जैसे ही मैं इसे स्कैन करता हूँ, साथ ही में डायरेक्टली मेरी अटेंडेंस लग जाती है और जो मेरा डाटा है वो एयरटेबल में स्टोर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एयरटेबल में मेरा डाटा स्टोर हो चुका है, जहाँ पर स्टूडेंट का नेम, डेट, टाइम और उसके बाद जो उसका लोकेशन है वो, और उसका स्टेटस प्रेजेंट अब्सेंट यहाँ पर आएगा। सिंपल है फ्रेंड्स, इसका जो AI फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक एडमिन ऐप भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एडमिन ऐप का काम क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐप को फिर से शुरू करता हूं। देखिए, यहां पर एडमिन का दिया है बटन, उस बटन को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर जो पासवर्ड दिया है admin@123, इसे टाइप करना है। आप जब इस फाइल को, AI फाइल को एडिट करोगे, तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं या यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो बटन दिखाई देगी, एक ऑन और ऑफ। जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो आप जो स्टूडेंट है, जो यूजर्स है, वो स्कैन नहीं कर पाएगा जब तक के आप ना चाहें। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो पैनल है आगे जाएगा ही नहीं जब तक के आप ऑन नहीं करोगे। अब रिटर्न आपको एडमिन पैनल में अगर जाना हो रिटर्न, तो यहाँ पे जो आइकॉन दिया है इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए, लॉन्ग प्रेस, तो एडमिन पैनल पे आप आ जाओगे। सिंपल। और एक बार हम एडमिन का पासवर्ड डाल देते हैं और इसे ऑन कर देते हैं। जैसे ऑन करोगे, तो यूजर जो है आपका या स्टूडेंट है, वो इस ऐप को स्कैन कर पाएगा। ये देखिए, इसके बाद ये आगे बढ़ पाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहां पर हमारा जो है स्कैन बटन आ चुका है। अभी हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि एक रॉन्ग QR कोड स्कैन करेंगे। उसके बाद क्या होता है देखिए, मैं यहां पर QR कोड यूज करूंगा कोड रूलर का ही। स्कैन पे क्लिक करता हूं। देखिए यहां पर नीचे में जो मैसेज आएगा, देखिए, और एक बार स्कैन करते हैं। नीचे में देखिए मैसेज आ रहा है, प्लीज चेक कोड। अगर आप रॉन्ग कोड स्कैन करते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं लेगा, और वही कोड लेगा जो आपका राइट है, जो आप QR कोड स्कैन करोगे। देखिए, ये देखिए यहां पे स्कैन हो चुका है और मेरी अटेंडेंस यहां पे लग चुकी है, मेरा लिस्ट यहां पर बन चुका है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं अपने ऐप से भी, यहां पर अगर आप एयरटेबल की लिंक दे देते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऐप है, इसका AI फाइल और एक टेस्ट ऐप जो APK है, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं और AI फाइल लेकर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा है लेकिन काम का है ये माय अटेंडेंस ऐप। आप इसमें और भी बहुत ज़्यादा अपडेट ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो AI फाइल है फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।